हबकूक का ग्रंथ अध्याय 2 उसका 3 में लिखा हुआ दर्शन पट्टियों में लिख दे। काफी सालों से भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया, एक ऐसा समय होगा कि एक छुटकारा का समय है, ए रिवाइवल। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ अभी तक उत्तर भारत में रिवाइवल आया है। लोग इकट्ठा हुआ है, कई लोगों को रियल कन्विक्शन नहीं है गॉस्पल क्या होता है, लेकिन भीड़ भाड़ हुआ है, ये सच है। भीड़ भाड़ होने से उसको रिवाइवल नहीं बोला जाता है। कम लोग भी रहे परंतु परफेक्ट रहे। अब क्यों चर्च में आता है नहीं आता है इसको समझ में नहीं आते हैं। बाइबल के साथ में कोई रियल रिलेशनशिप नहीं है, पवित्र आत्मा से चला दिया नहीं जाता है। इस तरह का एक वेव चला है, ये सच है, ये रॉन्ग वेव था, इसको बोलना भी ज़रूरी है। यदि सच वेव रहता तो आज तक कंडीशन ये नहीं होता। यीशु ने कहा तुमको मैं संसार का ज्योति बनाया है, पृथ्वी का नमक बनाया है। यदि नमक उसके स्वाद को खो बैठे तो उससे किस कारण उसको नमकीन किया जाए। दीपक दीवट पर लगाना जरूरी है क्योंकि लोग रोशनी को पाए। पहाड़ में बसे हुए नगर सबको दिखाई पड़ेगा। रिवाइवल रियल में होना चाहिए चर्च के अंदर। मैं ये विश्वास करता हूँ जहाँ चर्च सुखा है वहाँ पर देश भी सुख जाएगा। चर्च में कोई डप्त नहीं है, ड्रामागिरी चल रहा है, डांस, डीजे चर्च। कभी हम चर्च में घुस जाते हैं तो हमको लगता है डीजे हॉल में घुस गया। ऐसे ऐसे भी यीशु मसीह का आराधना होता है। अरे तुम दुनिया में जो देखता है वो सब चर्च के अंदर क्यों लेके आता है। इसराइल लोगों के लिए और चर्च के लिए सबसे बड़ा डॉक्ट्रिन, मूसा ने कनान देश में आने के पहले इसराइल लोगों से कहा था वहां का लोगों का एटीट्यूड तुम्हारे अंदर में नहीं आना है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। यीशु मसीह का शिष्य लोग भी ये कहा, यीशु ने भी कहा और पौलोस ने साफ रीति से कहा, दुनिया तुम्हारे अंदर में नहीं आना है। दुनिया का स्टाइल चर्च में लेके आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रॉन्ग वेव चला है और उसको बूस्ट करने के लिए भी बहुत लोग हैं, क्योंकि उनको आत्मा से ज्यादा संबंध नहीं, आदमी से संबंध है। मैं फिर से बोलने के लिए चाहता हूं, उनको आत्मा से संबंध नहीं है, आदमी से संबंध है। उनको क्वालिटी से संबंध नहीं है, क्वांटिटी से संबंध है। उनको गिनती चाहिए उनको चर्च में, उनके चर्च में नंबर चाहिए। वो कैसे भी चले लेकिन आदमी चर्च ना छोड़ के जाए। आप टाई पहन करके आया, कोट पहन करके आया, अच्छा कोट सूट पहन करके आया तो आपको तो वार्म वेलकम है। गरीब के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। अब आपके पास एक नौकरी है, आप एक अच्छा बिजनेस वाला है तो आपको तो पूरा मौका मिलेगा प्रार्थना करने के लिए, आशीर्वाद करने के लिए। तो ये सब झूठ चर्च के अंदर शैतान लेके आया है। और बोलेंगे तो बहुत कुछ बोलने का है लेकिन क्या करें। इस अवस्था में प्रभु का राज क्या पूरा होगा क्या? यस, पूरा होगा। क्योंकि मत्ती का सुसमाचार 13 में यीशु मसीह ने कहा था कि अच्छे बीज खेत में बोया गया है लेकिन सेवक जाके देखा तो उसके बीच में जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। सेवक आकर के स्वामी से बोला, स्वामी ये क्या हो रहा है, जंगली बीज को भी मैंने इसके बीच में देख रहा हूँ, क्या उसको उखाड़ के खत्म कर दे। तो स्वामी ने बोला ना 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 ना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करने से अच्छे बीज के लिए भी नुकसान हो जाएगा, इसलिए दोनों को छलने दो। जब वक्त आएगा तो मैं पहले जंगली बीजों को इकट्ठा करूंगा और उसको नाश करूंगा। चर्च स्वर्ग नहीं है, चर्च
स्वर्ग जाने के लिए आपके लिए प्लेटफॉर्म है। बपतिस्मा लेने से ही केवल कोई स्वर्ग नहीं जाता है, प्रभु का वचन से चलने से स्वर्ग जाएंगे। बपतिस्मा लेकर के कई लोग नरक में जाने वाला है। यीशु ने कहा जो प्रभु प्रभु पुकारता है वो सब परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करेंगे वही स्वर्ग के राज में प्रवेश करने वाला है। और उसके नीचे यीशु ने कहा कि एक दिन ऐसे आएगा अंत के दिन मेरे पास आकर के कहेगा प्रभु जी मैंने आपके नाम पर दुष्टात्माओं को निकाला, मैंने आपके नाम पर रोगियों को चंगा किया, मैंने आपके नाम पर अद्भुत और चिन्ह किया, मेरे गलियों में आप चला फिरा। प्रभु ने वहां पर कहा उन लोगों से प्रभु कहेगा मैं कदापि तुमको नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों तुम मुझसे दूर हटो। और उसको विनाश और नरक का आग में ढकेल दिया जाएगा, ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है। यह किसके बारे में लिखा हुआ है? परमेश्वर के दासों के विषय में बोला, प्रभु के कैरिसम को जिसने पाया, चर्च लीडर्स एंड चर्च में जो बड़े काम करने वालों के विषय में, वो सब जाने के विषय में बोला है। तूने हाथ रखा तो किसी को चंगाई मिला तो ये लाइसेंस नहीं है स्वर्ग जाने के लिए। तूने प्रार्थना किया तो अद्भुत और चिन्ह हुआ तो वो कोई लाइसेंस नहीं है स्वर्ग में जगह मिलने के लिए। तूने अपने चर्च में खाना बांटा तो लाइसेंस नहीं है स्वर्ग में जगह मिलने के लिए। स्वर्ग में जगह मिलने के लिए अपना जिंदगी को साफ करना जरूरी है और पवित्र आत्मा से चला दिया जाना जरूरी है, तब स्वर्ग पहुंचेगा। इसलिए इस तरह का रॉन्ग डॉक्ट्रिन जो चर्च के अंदर इंप्लीमेंट हुआ है वो रियल रिवाइवल को ब्लॉक कर दिया है। उसको सिखाने वाला भी है, उसको बूस्ट करने वाला भी है, ऐसे डॉक्ट्रिन वाले उनको मदद करने वाला भी है। उनको तो कहीं ना कहीं से पैसा मिलना है, सपोर्ट और रिपोर्ट के चक्कर में चर्च चलाने वाला मैक्सिमम मिलेगा। आज सपोर्ट बंद हो जाएगा तो मैंने ये विश्वास करता हूं बहुत से ऐसे लोगों का मिनिस्ट्री ही बंद हो जाएगा, बहुत से ऐसे लोगों को चर्चे बंद हो जाएगा। पैसा मिलता है इसलिए वो करता है, जिस दिन पैसा नहीं मिलेगा उस दिन उसका सेवकाई भी बंद, सब कुछ बंद। तो बताइए किस कारण वो सेवकाई कर रहा है? मणि के द्वारा खलीसिया को बना नहीं सकता है, पवित्र आत्मा से खलीसिया को बनाता है। तेरा मणि तेरे साथ मर जाएगा। शिमोन करके एक व्यक्ति पत्रों से बोला तू जो हाथ रखता है तो पवित्र आत्मा मिलता है लोगों को, वो शक्ति मेरे को भी दे देना, मेरे लिए भी विनती करे, वो वरदान हमको भी दे दो। और उसने पैसा देंगे बोला। पत्रोस ने बोला तेरा पैसा तुम्हारे साथ नाश होने दे, तुम अधर्म करने वाले, तू बड़े क्रोध और विद्वेष से भरा हुआ है। दान दे करके पैसा दे करके परमेश्वर को अभिषेक को खरीद नहीं सकता है। तेरा दान और पैसा अपने हाथ में रखो, अपने जिंदगी यीशु को देने के लिए सीखो। पैसा से डराना नहीं यीशु मसीह को, वो जब नहीं है तो तुम्हारे हाथ में पैसा ही नहीं रहेगा। क्या दशमांश से डराते हो यीशु मसीह को? तेरा दशमांश तेरे ही हाथ में रखो, पहले प्रेम करना सीखो। हालेलुया। दशमांश और स्पेशल सैक्रिफाइस से परमेश्वर डरता नहीं है, तेरा जिंदगी उसके हाथ में देना है। क्योंकि कम से कम एक बार परमेश्वर मौका देगा लोगों को उसका दर्शन करने के लिए। कोई बोलेगा डुबकी दे दे करके मेरे चर्च में ये क्या बोलता है रिवाइवल आ गया, तेरा अपने विश्वासियों को लाइन लगा करके मुंह खुलवा देगा तो कितना लोगों का अंदर से मिलेगा खैनी और गुटका? तेरा रिवाइवल अंग्रेजी को मूर्ख बना सकता है फोटो खींच करके पैसा लेकर के, लेकिन पवित्र आत्मा को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। अंग्रेजी फंसेगा,
तेरा फोटो और वीडियो से जिसके अंदर आत्मा है वो नहीं फंसेगा। मूर्ख बनाते हो दुनिया को, मूर्ख बनाते हो कब तक लोगों को, मूर्ख बनाते हो परमेश्वर को। अब सही रिवाइवल होगा। हालेलुया। तुम लोग रास्ता बंद कर दिया है। मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई बोलता है ब्रदर आपका डॉक्ट्रिन है, आपका टीचिंग है, आपका आपका मानसिक प्रॉब्लम है क्या, ये सब बोल रहा है? ना ना ना, मेरा मानसिक प्रॉब्लम नहीं है, ये यीशु मसीह का मानसिक प्रॉब्लम है। अब बाइबल पढ़कर देखेंगे तो यीशु मसीह मंदिर में घुस के क्या किया था, उसमें भेड़ बकरियों को बेचने वालों को, कबूतर बेचने वालों को, मनी ट्रांसैक्शन करने वालों को उसने निकाल दिया है और कहा मेरे पिता के घर प्रार्थना का घर है, तुम लोगों ने उसको डाकुओं को खो बना दिया है। बाइबल बिजनेस करने का चीज नहीं है। हालेलुया। तू बिजनेस करो लेकिन बाइबल के साथ बिजनेस मत करो। यीशु मसीह ने मत्ती 23 में उसने कहा था फरीसियों को, शास्त्रियों को, शास्त्री बाइबल टीचर्स उस समय का अपने आप को समझता था हम लोग बहुत बड़ा सिखाओ वाले लोग हैं, हम लोग बहुत ज्यादा बाइबल सीख लिया है, हम सब कुछ जानते हैं। ऐसे शास्त्री लोगों से यीशु मसीह ने कहा तुम लोग परमेश्वर के राज्य का दरवाजा को बंद कर दिया है, तुम भला नहीं कर रहा है, तू तो अंदर जाता नहीं है और जो आता है उसको भी तू रोक देता है और अपने चेहरे बनाने के लिए समुद्र से समुद्र, तुम रिवाइवल से रिवाइवल, कन्वेंशन से कन्वेंशन, सेमिनार से सेमिनार, प्रेयर मीटिंग से प्रेयर मीटिंग्स करते करते लोगों को लेके आता है और उसको सबसे बड़ा नरक का योग्य तुम्हारे जैसे बना लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, उद्धार में लोगों को लेके आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद तुमने क्या किया? क्या उसको गहरे में लेके चला है? तू उसको डेप्थ में लेके गया है क्या? उद्धार का दिन कोई पवित्रता में सिद्धता में नहीं प्रवेश करेंगे, ये सच है, विश्वास में अंदर आता है, लेकिन उसके बाद तुमको गहरे पानी में उतरना है। क्या तूने ऐसे मार्गदर्शन दिया है चर्च के अंदर कि लोग इकट्ठा बहुत लोग आते आते तुमने देखा खुशी लगाया, तुमको आदमी का ताली बजाना और चर्च में डांस करने से तुम मनोरंजन में है? हालेलुया। मैं क्लियरली बोलता हूं डीजे चर्चेस एग्जैक्टली डीजे। मैं इस जगह में एक संडे में इधर आया था, मुझे एक संडे चर्च में जाना था, इसलिए मैं चुपचाप से एक चर्च में गया था। बोलने से कुछ लोग शायद मुझे देखने से मालूम हो जाता है यूट्यूब वगैरह में आने से। उस चर्च में जैसे घुसा मैंने कान में हाथ रखा, मैं और मेरा पत्नी बच्चों, मैंने सोचा कैसे यहां से भाग जाए। एग्जैक्टली डीजे सेंटर में पहुंच गया है, उसको वो वर्शिप कहता है। विश्वास में आने के बाद लोगों के एक कंसेप्ट हो जाते हैं आत्मा और सच्चाइयों से आराधना का मतलब सामने में कुछ होना नहीं, बिल्कुल प्लेन होना है, कोई पिक्चर या कुछ ऐसा कुछ चीज सामने नहीं होना, ब्लैंक होना है और ऊंची आवाज में गीत गाना, ताली बजाना, ढोल बजाना, जितना चिल्लाना, यही है आत्मा और सच्चाई का आराधना। भैया आत्मा और सच्चाई का आराधना आपका शरीर को अर्पण करने से होता है। जीवित और पवित्र आप अपने शरीर को अर्पण करने से, एक एक अंग को जब यीशु मसीह के सामने आप अर्पण करते हैं, बॉडी के एक एक पार्ट्स को, सड़क में चलने के समय, ऑफिस में रहने के समय,
ट्रेन में जाने का समय, फ्लाइट में रहने का समय, मार्केट में रहने का समय, यदि आपके इंद्रियों को आप प्रभु के सामने सेल्फ कंट्रोल के द्वारा समर्पण करते हैं तो उसको वर्शिप कहता है, आराधना। तो जोर जोर से चिल्लाने से उसको आराधना नहीं बोलता है, हालेलुया। जिंदगी को साफ करने से आराधना बोलता है, हालेलुया। हम किसी को पैसा नहीं देता है, खाना नहीं देता है, इसलिए मेरे सभा में लोग कम आता है। क्यों मामा ऐसा करता है? हम चाहेंगे तो, हम तो अपने आप में दिलदार आदमी है भैया, बाहर निकलेगा तो हम बहुत लोगों को ऐसे ही देता है, अपने बड़ाई के लिए नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सुसमाचार घोषणा के लिए मैं एक रुपया किसी को नहीं देगा, ये मेरा डेडिकेशन है। यीशु मसीह ने खाना बांटा, कब बांटा था? रिटेंट जाने के समय बांटा था। तू तो आने के लिए बांटता है। डिनर विल बी सर्व्ड, रिफ्रेशमेंट विल बी देयर। हिम्मत है तुमको बुलाने के लिए इसको बिना लिखे? तो तेरा पसीना छूटेगा। तुमको हिम्मत है लोगों को बुलाने के लिए विदाउट खाना बांटते? दिखाओ तुम, ऐसे कलीसिया बनाओ तब बोलेगे रिवाइवल आ गया। तू तो कुछ ना कुछ उसको देख के ही बुला सकता है, क्योंकि लोग, एक दिन हमारा चर्च में आया था एक बहन, हमारा पूरा इससे भी बड़ा हॉल है, 350 लोग बैठ सकता है, कम लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर एक बहन आया, सभा उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जाने के समय एक सोल्यूशन हम लोग को, एक सजेशन दे दिया, ब्रदर जी देखिए, आप वर्शिप के बाद में एक टी और दो बिस्किट देने से लोग आ जाएगा। यहाँ के लोगों को मेंटालिटी ऐसे है। तो हमने बोला हमारा मेंटालिटी ऐसे नहीं है, बिस्किट और चाय दे करके चर्च में लोगों को मंगवाने के लिए, क्या ये कोई कुत्ता है क्या? आदमी नहीं है, तेरा दिमाग उल्टा है, तू स्वार्थी है, तू बिजनेस वाला है, चर्च नहीं बना रहा है तू तो अपना संस्था को बढ़वा कर रहा है, तुमको बैनर से बड़ा कुछ नहीं दिखता है, तेरा मिनिस्ट्री तेरा चर्च से सिवा कुछ समझ में नहीं आता है। हालेलुया। मेरा सभा में आए हुए लोग, इसमें कुछ लोग होगा, कभी आपने मेरा मिनिस्ट्री का नाम जाना है? कभी बैनर देखा? पहले बार हमें एक वचन लिखा हुआ है। क्या हम अपने मिनिस्ट्री का नाम नहीं लिख सकता है क्या? जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री के नाम को ऊपर करने के लिए इधर आया नहीं है, यीशु मसीह के नाम को ऊपर करने के लिए आया। समझ में आया? नाम से नहीं, काम से लोग जानना चाहिए, तब वो सही है। फिर दूसरा बात, हमको बैनर लगाने के बाद फोटो खींच करके कहीं भेजना नहीं है। मिलेगा, फलाना तारीख दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, इसे बगाई टोटली उत्तर भारत का सेवक आई, उसके एक रुपया भी उत्तर भारत का लोग दिए हुए पैसा है। समझ में आया? ये हमारा डेडिकेशन है, आखिरी तक यही होगा, बड़े बड़े सभा भी चलाएगा, लेकिन बाहर से मंगवाना नहीं है। हमको कैसे पैसा लेके आना और यहाँ कलीसिया बनाना, ये सिस्टम नहीं समझ में आता बाइबल से। यीशु मसीह ने बोला जाओ और समुद्र में वंशी डालो और जो मछली मिलेगा उसका मुंह खोलो, उसका अंदर में सिक्का मिलेगा, उसको लेकर के मेरा और तेरा टैक्स क्लियर कर देना। पहले क्या बोला? मछली को पकड़ने के लिए, तो स्पॉन्सर को पकड़ने के लिए जाता है, मछली को पकड़ो, मछली यहां है इस मिट्टी में है, तो मछली को पकड़ा ही नहीं है, पकड़ने के लिए इतना बड़ा फंड मंगवाता है और तुम्हारा फंडे आता है, मछली को पकड़ता ही नहीं है। मछली सब खाने पीने के चक्र में आता है, माल खा के चले जाता है। हालेलुया। आप जानते हैं वंशी डालने के समय तेज मछली भी होते हैं, वंशी में हम लोग ये मतलब उसका अन्न जो डाल के डालते हैं तो खा के चले जाते हैं, ऐसे लोग आज कलीसिया में फंसता नहीं है और तुमको फंसा देगा, बाद में जेब खाली हो जाएगा। क्यों मैं इतना परेशान है? यीशु मसीह का कलीसिया को यीशु मसीह बनाना दो, तुम टेंशन नहीं लेना।
पैसा से नहीं होता है भैया, बार बार मैं इसको धक्का देता हूँ, बार बार मणि के विषय में मैं लात मारता हूँ, क्योंकि मेरा सेवकाई का सबसे बड़ा पॉइंट में से एक पॉइंट है मणि। हालेलुया। सिर्फ जहां कहीं भी मुझे खड़ा करो उसके विरुद्ध हम बोलते रहेगा। फैक्ट बोलने वाला आज दुनिया में कम हो गया है, चर्च में भी कम हो गया है। कमिटी लीडरशिप इसके चक्कर में फैक्ट मर जाते हैं। पवित्र आत्मा कलीसिया को उठा के चलाना बहुत मुश्किल हो गया, और इस कंडीशन को क्रॉस ओवर कौन करेगा? जो इस कंडीशन में अकेला निकलने के लिए तैयार है प्रभु के लिए। मैं अपने संदेशों में बोलता हूं, जिसके पास काम करने के लिए डिग्री से, क्वालिफिकेशन से बिजनेस कर सकता है, नौकरी कर सकता है, उसको जाके खींचिए और उसके बाद यीशु के बारे में बोलना शुरू करो। और तू फुल टाइम मिनिस्ट्री करके निकलते हैं और दूसरे को बोझ बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए बूस्टिंग करने के लिए भी लोग हैं, क्योंकि उनको कहीं से पैसा मिल जाता है। वो फैक्ट्री बनाता, चेलों को फैक्ट्री, बाइबल कॉलेज हम नहीं बोलेगा, फैक्ट्री बोलेगा, प्लास्टिक बनाने वाला फैक्ट्री। उसी तरह उसको कोई पैसा दे देता है, 12 लोगों को, 20 लोगों को, 21 लोगों को वो ट्रेनिंग दे रहा है। देख लेना, जिस दिन उसका स्पॉन्सरशिप बंद हो जाएगा, उसका डिसाइपलशिप सेमिनारी भी बंद। और वो प्रेशर देते देता है कलीसियाओं में, भेज दीजिए डिसाइबल को। और ये यहां से गुटके के साथ किसी को भेज रहा है, कोई खैनी कब साथ में बाइबल कॉलेज पहुंचा हुआ है, वो भी 1 साल 2 साल 3 साल बाइबल कॉलेज में सीख लिया, उसके बाद में एक सर्टिफिकेट उसको मिलेगा, उस सर्टिफिकेट लेकर के मार्केट में आएगा, और उसके बाद जो उसको समझ में आता है वो करता है। और उसका फिर धर्म सबसे बड़ा ये होता है, स्पॉन्सर को पकड़ो और सपोर्ट बनाओ। इस सबको लेखा देने वाला दिन आ रहा है। ये सब कोई मिनिस्ट्री नहीं है, ये सब कोई सेवकाई भी नहीं है। मैं आपको विनती करके बोलने के लिए चाहता हूं, जितने झूठे सेवकाई, झूठे चर्चेस, झूठे मिनिस्ट्री ऑलरेडी देश में है, आप हमसे पूछेंगे क्या ये आप गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल ऐसे नहीं, बाइबल के अनुसार मैं बोल रहा हूं। झूठे सेवकाइयां, झूठे मिनिस्ट्रीज, झूठे चर्चेस, जिसको पवित्र आत्मा से कोई संबंध नहीं है, मणि के कारण बने हुए हैं, सही गॉस्पल नहीं सुना रहा है, पवित्र दाग में समझौता कर रहा है, उनको केवल अपना बैनर, अपना चर्च के सिवा कुछ बोलने का नहीं है। चर्च को क्लब बना दिया, डीजे सेंटर बना दिया, इस तरह का जो लोग खाना बांट के, सोशल वर्क के खिलाफ हम नहीं है, सोशल वर्क कीजिए, लेकिन गॉस्पल के लिए मत कीजिए, गॉस्पल को अलग रखिए, वो पवित्र आत्मा के द्वारा पेश किया जाना चाहिए। आपने कभी बाइबल में पढ़ा है यीशु मसीह सोशल सर्विस और गॉस्पल सर्विस एक साथ में किया? बाइबल में ऐसा नहीं है, ना चेलो किया है, तो आप क्यों करते हैं? आपको हिम्मत नहीं है, पवित्र आत्मा का शक्ति के साथ में चलने की हिम्मत नहीं, इसलिए शॉर्टकट वे लेते हैं। कभी जिंदगी में ट्यूशन भी नहीं एक बार पढ़ाया है वो व्यक्ति, स्कूल खोला है कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए, तूने जिंदगी में कभी एक व्यक्ति को भी ट्यूशन क्लास नहीं दिया है, तो तुमको कहां से ये कैरिश्म मिल गया स्कूल खोलने का? तो मैं आपको बोल रहा हूं, कोई कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, कोई कर रहा है तो हम भी करने वाला नहीं है सेवकाई। अपने अपने दर्शन चाहिए, अपने अपने बुलाहट चाहिए। यदि नहीं है तो कॉपी मत कीजिए। ये जो हम बोल रहे हैं एसेकियल की किताब में, जरमिया की किताब में, झूठे दर्शन, झूठे भविष्यवाणी, झूठे भविष्यवक्ता लोग, झूठे बोझ, एसेकियल जरमिया के चैप्टर में है, उसके अनुसार हम बोल रहा है। मेरे अंदर बहुत बड़ा बोझ है, ऐसे करके लोग आएगा, बाद में पता चलेगा बोझ क्या है, उसका मिनिस्ट्री का हाईलाइट करने का बोझ है, उससे ज्यादा कुछ बोझ उसके अंदर नहीं है।
तो अपने बगल वाला पास्टर को नहीं प्यार कर सकता है। यूनिटी प्रेयरों में हाथ मिलाने से काम नहीं चलेगा, यूनिटी दिल में होता है। यूनिटी होने के लिए नोटिस छपवाने की जरूरत नहीं है, यूनिटी दिल से होता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत सारे सब बाधाएं हैं ऑलरेडी चर्चेस के अंदर में है, उसको तोड़ना परमेश्वर का पवित्र आत्मा का उद्देश्य है इन दिनों में, तब जाकर के रिवाइवल आएगा। मैं तो आपको बोलने के लिए 100 में 1% भी आज अभी आपसे बोला नहीं है जो ब्लॉक्स है चर्चेस में। ऐसाया 43, किसी की पुकार सुनाई दे रही है, जंगल में यहोवा के लिए मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए मरुस्थल में राजमार्ग चौरस करो। प्रत्येक घाटी भर दी जाए और प्रत्येक पर्वत तथा पहाड़ी गिरा दी जाए, जो ऊबट खाबड़ है वो समतल और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक साथ देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने ही ये कहा है। जो पहाड़ उसको तोड़ना है, जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है उसको भरना है, समतल किया जाना जरूरी है। ये क्या है? स्पिरिचुअल स्ट्रांग होल्ड से जो पवित्र आत्मा का मूव को रोक देता है। आप इसको आंखों से नहीं देखेंगे, लेकिन आंतरिक आंखों से देखने से इसको समझ में आएगा। ये दो जगह है, एक चर्च के अंदर और एक चर्च के बाहर। जो अंधविश्वास परमेश्वर तत्व के विषय में, जो रॉन्ग डॉक्ट्रिन से उद्धार करते के विषय में, जो रॉन्ग डॉक्ट्रिन से, दूसरा कुरंतियों अध्याय 4:4 के अनुसार उनका आंखों को अंधा कर दिया है। परंतु जो चर्च के अंदर इस तरह का जो बातें हैं, जो पवित्र आत्मा का फ्लो अर्थात पवित्रता का भाव को रोकने वाला जो अंधकार का शक्तियां है, कोई पास्टर के रूप में है, कोई लीडर के रूप में है, कोई बिलीवर के रूप में है, कोई चर्च के रूप में है, कोई मिनिस्ट्री के रूप में है, ऑलरेडी वो शैतान का सेवक है। वो लोगों को सच्चाई का मार्गदर्शन नहीं देते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं, चापलूसी करते हैं और मनी माइंडेड है। ऐसे लोग कलीसिया के अंदर हैं, वो लोग कलीसिया को रोक डाला है। आपको देखेगा, आपके पास मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका प्रॉब्लम सीधे उसका इलाज आपके मुंह पर नहीं बोलेगा, क्योंकि आपको बोलने से आप दुखी हो जाएगा, तो आप को नाराज लगेगा, तो इनसे फिर इनके चर्च में नहीं ना आएगा। वो मनुष्य का मुंह को देख रहा है। ये जो स्वभाव परमेश्वर का पवित्र आत्मा का नहीं है। यदि आप किसी भाई और बहन के जीवन में कुछ दिक्कतें देखते हैं, तो सीधा उसको मुंह पर बोलना सीखना जरूरी है, सीधे सीधे इससे बोलना है। क्या पौलुस नहीं बोला था पत्रोस से? यही पत्रोस पौलुस से मिलने के लिए गया था 3.5 साल बाद, 15 दिन उसके साथ में रहा था। वही पौलुस पत्रोस से मुंह पर जवाब दिया। तो ये हिम्मत पवित्रता का जिलस से आते हैं। जिस वक्त आप पवित्रता के लिए पवित्र आत्मा से चला दिया जाएंगे, उस समय आप लोगों का मुंह पर बोलना सीखना जरूरी है। यीशु के विषय में फरीसियों ने क्वेश्चन पूछने के लिए आया था, उस समय बोला, हे गुरु, तू सत्य को बोलने वाला है, किसी से डरता नहीं है, किसी का मुंह भी नहीं देखता है। यही फरीसी लोग बोला था यीशु मसीह के विषय में। तो आप बिल्ली का तरह है तो आप यीशु का नहीं है, आप शेर की तरह बन जाइए। इंसान से नहीं डरने के लिए बाइबल सिखाता है मैथ्यू चैप्टर 10 में। आपको डरना चाहिए जिसने आपके शरीर को और आत्मा को दोनों को नरक में डालने के लिए जिसके पास शक्ति है, उसी से डरने की आवश्यकता है। इसलिए आज कम से कम यह निर्णय लेके यहां से जाइएगा, जाने के समय, मैं इंसान से नहीं डरूंगा और मैं सत्य को बोलूंगा मुंह पर। प्रभु का अभिषेक आपका जीवन में आएगा।
आप प्रार्थना करने से केवल अभिषेक नहीं मिलता है, सत्य को बोलने से मिलता है। जब आप सत्य को पेश करेंगे, सत्य पर चलेंगे, सत्य के लिए खड़े हो जाएंगे, सत्य को बोलेंगे बिना डरते, अभिषेक आपके पीछे है। 21 डेज के फास्टिंग की जरूरत नहीं, बिना मतलब के शरीर को मार रहा है। 7 डेज फास्टिंग की जरूरत नहीं, अननेसेसरी भोजन को पागलों की तरह छोड़ करके इस तरह के उपवास से आपको कुछ मिलता नहीं है। आप तो 21 दिन का उपवास करते हैं तो पूरा दुनिया पता चलता है आप 21 दिन को उपवास ले रहे हैं। अरे आप प्रभु यीशु मसीह के उपवास के बारे में बाइबल में सीखिए, अध्याय 6 में क्या बोला था वो उसने, तो उपवास करने के समय दूसरा कोई उसके विषय में मालूम होना नहीं चाहिए। मुंह धोना है, सिर पर तेल लगाना है, तू ऐड कर देता पहले से ही। हम लोग बैठने जा रहा है 7 दिन को उपवास, हम लोग जा रहा है 21 दिन को उपवास, तेरा तो यही पर हो गया सारा आशीष। क्या सीखा है बाइबल पढ़ के, तेरा उपवास से कोई कुछ नहीं देने वाला तुमको, तुमको मिल गया यहां से तालियां। हालेलुया। चर्च एडवर्टाइजमेंट कर देते 21 दिन से फास्टिंग, उसी में गया तुम्हारा सारा आशीष, तो तू फिर 21 दिन बर्बाद कर रहा है। होलिक्स पीता, अच्छा फल खाता, भोजन करता तो कम से कम जिंदगी में थोड़ा तंदुरुस्ती मिलता। बुद्धि को मारने से काम नहीं चलेगा, आत्मा से डिसीशन लेने से काम है। तू सोच रहा है तेरे जैसे परमेश्वर है, नहीं ऐसा नहीं है। शरीर में ड्रामा बंद करके आत्मिक जीवनों में अच्छे डिसीशनों को लेने के लिए शुरू कीजिए, प्रभु आशीष करेगा। ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, हम नहीं ऊंचा कर सकता है। कोई फिल्म स्टार को आप प्रमोट कर सकता है, कोई बिजनेस को आप लॉन्च करने के लिए आप उसको प्रमोशन दे सकता है, परंतु मिनिस्ट्री के लिए नहीं होता है। प्रभु को सेवकाई को उठाने वाला प्रभु ही होता है और कोई नहीं। और उठाएंगे तो नीचे गिर जाएगा, उससे अच्छा है कि उसके लिए व्यर्थ कोशिशों को ना करें। पेशेंस रखें। बाइबल में लिखा हुआ पत्रोस ने कि उसका सामर्थ्य हाथ के नीचे धीनता के साथ हम बने रहे, निर्धारित समय पर परमेश्वर आपको उठाएंगे। इसके लिए धीरज रखने की जरूरत है, उसी को विश्वास कहता है। इब्राहिम ने यही किया था। यदि आपके पास दर्शन है तो पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है उसको पूर्तिकरण के लिए। यदि आप उसको करेंगे निर्धारित समय पर, परमेश्वर वो काम करेगा। और इसके लिए आप नोट का गिनना बंद कीजिए, स्ट्रैटेजी को बनाना बंद कीजिए। इसके बाद में क्या करता है, बस भेज रहा है, बस नहीं भेजेगा तो कोई आएगा नहीं। यीशु मसीह कितना लोगों को बस भेजता। मैंने YouTube में ऐड दिया तो एक हमको लिखा तो उसमें सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन है। अपने सारे काम के लिए वो वेबसाइट में ढूंढ करके मार्ग निकाल सकता है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, सारे काम। तुमको चर्चे समझ में नहीं आता है, प्रार्थना सभा का मार्ग का प्रॉब्लम। ये शैतान तुम्हारा दिमाग को खराब किया, इसलिए क्वेश्चन पूछता है, पास्टर जी कहा है, कहा है। तुमको मार्गदर्शन देने के लिए हम यहां नहीं है, जिसको आना है वो आएगा। तूने बहुत ज्यादा बस पर बैठ कर बड़े बड़े सभा में गया, बस बस सभा का आयोजन सुनते ही पूछता है कैसे पहुंचेगा। अच्छा तुम्हारे रात में ही ऑक्सीजन खत्म होने से तू कैसे पहुंचेगा हॉस्पिटल, पहुंच जाएगा अपने आप उड़ते हुए, कोई पहुंचाने का भी जरूरत नहीं है। तुमको सभा में, प्रार्थना सभा में चलने के समय कैसे पहुंचेगा, पहुंचेगा एक दिन ऊपर, प्रभु उसका लेखा लेगा। तुमको कैसे पहुंचेगा, डॉलर भेज देता हूं, एगो कार खरीद लो उसके बाद में आ जाना। रुपया नहीं चाहिए, क्या चाहिए, डॉलर। पैसा नहीं चाहिए, डॉलर। अरे कैसे, प्रभु के दासों को पूछेगा, वो रुपया के बारे में नहीं बोलता, डॉलर से वो बात करेगा। समझ में नहीं आ रहा उसको, भारत में रह रहा है।
क्यों? उसके उसका सारा दिमाग सात समुद्र का उस पार है। हालेलुया, बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड है कलीसिया के अंदर। इसको तोड़ेगा तब परमेश्वर काम करेगा। एक दो करके तोड़ेगा तब। यदि आप अपने अपने जीवन में इन वचनों को सुन करके कुछ आपको समझ में आ रहा है, इसके विषय में सोचिए और प्रार्थना करें। सचमुच आप प्रभु को प्यार करता है तो मार्ग यही है, शॉर्टकट मार्ग नहीं है।